आपका क्वेश्चन है, इफ 25 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज? नाउ अंडरस्टैंड दिस, देखो इसने क्या बोला है। तो सबसे पहले हमारा साउंड वेव कैसा होता है? तो साउंड वेव इज इन साइनोसोइडल वेव, है ना? तो दैट मीन्स इट इज इन दिस शेप, ऐसे। इफ यू सी दिस, तो देखो आपका क्या है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कॉन्स्टेंट हो गया, दैट मीन्स अप टू हियर। तो दिस इज नोन एज वन साइकिल, वन साइकिल, और यू कैन से वन वेव, वन वेव, वन साइकिल, और यू कैन से वन वेव, ठीक है ना? अब इसने क्या बोला है, देखो 25 साउंड वेव्स, दैट मीन्स 25 वेव्स। तो 25 वेव्स कितने साइकिल हो गए हमारे? 25 साइकिल्स। तो नाउ वी कैन से 25 वेव इज इक्वल टू 25 साइकिल्स, ठीक है? आगे इसने देखो क्या बोला है, प्रोड्यूस्ड इन वन सेकेंड, दैट मीन्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन वन सेकेंड, ठीक है? अब आगे बोला है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकेंड। तो कितना हो गया हमारा, 25 साइकल्स पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इज नाउ 25 साइकल्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हो गई। बट वी ऑल्सो नो दैट साइकल्स पर सेकेंड, इज नोन एज हर्ट्ज। तो कितने हर्ट्ज हो गए, 25 हर्ट्ज। तो नाउ वी कैन से इट्स अ 25 हर्ट्ज, ठीक है? तो आपको इस तरह से करना है।